भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा है। जो गेस्ट फैकल्टीज हैं उन्होंने पार्टी कार्यालय का घेराव किया है। बता दें आपको कि राजधानी पटना और बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टीज की बहाली हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उसमें घोटाले किए जा रहे हैं, यानी कि बाहर के लोगों को परमानेंट करके नौकरी दी जा रही है और जो खुद बिहार के लोग हैं जिन्होंने 2 साल से या उससे ज़्यादा से सेवाएं दी हैं, उन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी हैं और आज जब इन लोगों ने घेराव किया है तो इनसे जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या कारण पड़ा कि इन्हें दफ्तर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, घेरना पड़ रहा है। क्यों घेर रहे हैं? सर, हम लोग आए थे सचिवालय में अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हम लोगों की बहाली बिहार में दो साल पहले हुई। जितने भी UGC के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए, जो यहाँ का सेंक्शन पोस्ट है उसके आधार पे रोस्टर का पालन करते हुए पूरे विधि तरीके से हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। हम लोग काम कर रहे थे, अचानक अभी सरकार नई वैकेंसी ला रही है, पेपर में आया कि 1 हफ्ता के अंदर वैकेंसी आएगी। उस नए परिनियम में, जो भी नया परिनियम बना है, उसमें हम लोगों के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसमें साजिश ये है कि 2014 की जो बहाली हुई बिहार में प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें लगभग 80-90% लोग आउटसाइडर आ गए, यूपी वाले आ गए, बंगाल के लोग आ गए, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो आते हैं बाहर के वो लोग भाई भतीजा बात करते हैं। और हम लोग के साथ ज्यादती हुई, हम लोगों को पिछले बार भी हम लोगों को नहीं ये किया गया। अभी जब बिहार के, अभी ज़्यादातर जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो बिहार के लोग आए, अब ये फिर एक रणनीति के तहत हम लोगों को बाहर करने की साजिश है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे सचिवालय में शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तभी यहाँ लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पे दुर्व्यवहार हुआ, 6-7 साथी हमारे अरेस्ट किए गए हैं, जिसको सचिवालय थाना में रोका गया है, उनके ऊपर FIR हुआ है। इसी के लिए हम लोग अपना ये कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हैं कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानना है क्या मामला है। मामला है सर कि देखिए, हम लोग नियमितीकरण के लिए आए थे। हम लोग 3-4 साल से काम कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, लेकिन हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नियमित हो जाए, वैकेंसी आने वाली है, लेकिन उसमें हम लोग की कहीं कोई चर्चा नहीं है। जब इस तरह की बात थी तो हम लोग को रखा ही क्यों गया। आज महिला साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला साथियों को भी लाठीचार्ज किया। हम लोग सिर्फ अपनी मांग रखने के लिए गए थे और कुछ बात नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हम पूछना चाहते हैं बिहार की बेटी नालंदा के मुख्यमंत्री, माननीय श्री मुख्यमंत्री अभी मुझे सुन रहे होंगे, तो उनसे हमारी मांग है कि जो हम गेस्ट प्रोफेसर के रूप में बहाल हुए हैं, हम लोग को नियमित किया जाए। आखिर हमारी पढ़ाई होती है, महिला के लिए इतना कर रहे हैं तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज क्यों मौन है हमारे मुख्यमंत्री साहब? चलिए हम लोग बैठ दीजिए। निश्चित तौर पर नियमितीकरण की बात की जा रही है। जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को परमानेंट किया जा रहा है, उन लोगों को नौकरी दी जा रही है, लेकिन जो हम बिहार के लोग हैं हम लोगों को हमारा हक नहीं दिया जा रहा। ऐसे में आज जब सचिवालय के पास शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान इन लोगों पर लाठीचार्ज की गई है और इनके जो साथी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को इन लोगों ने घेराव किया और अपनी बातों को मजबूती से रखा और साफ तौर पे कहा कि सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम अमरन आनसन और जो विभिन्न तरीके के प्रदर्शन हैं वो करेंगे, ताकि ये बहरी सरकार हमारी बातों को सुने और हमें हमारा हक दे। बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद। अरे तू को महिला को ले लो, बुलाया जा रहा है।